आईपीएल 2020 की होस्ट कंट्री को लेकर अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मीडिया में दो तरह की खबरें अब ट्रेंड कर रही है। एक खबर में ये कहा जा रहा है कि यूएई और श्रीलंका में आईपीएल कंफर्म हो चुका है, बीसीसीआई एकदम कराने की तैयारी में है, और दूसरी खबर जो हमने भी आपको बताई थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुंबई में बायोसेफ एनवायरमेंट बनाकर पूरे के पूरे आईपीएल को कराया जाएगा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हम बीसीसीआई के सारे अधिकारियों के बयान हम आपको बताएंगे, उनका हिंदी अनुवाद बताएंगे, उस आधार पर आप खुद ही डिसीजन लीजिएगा कि क्या होने वाला है। अभी तक बीसीसीआई की मीटिंग्स में क्या क्या बातें हुई है, तो कल जितने भी बयान आए थे, दो तीन बयान थे, वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी एमसीबी ग्रेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको इन सारे बीसीसीआई अधिकारियों के स्टेटमेंट बता देता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रिजेश पटेल का स्टेटमेंट। ब्रिजेश पटेल दोस्तों आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर है, मतलब आईपीएल को लेकर जो भी बातचीत होती है उस पर क्या डिसीजन लिया जाए उसमें इनका योगदान होता है। बहुत बड़ा पद है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर का। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों इनका जो बयान आया है, कल परसों जो आया था वो मैं आपको सुना देता हूं। ये मेरे हाथ में फोन है, इसमें ये बयान है। इन्होंने दोस्तों कहा था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैव इन्फॉर्मड अस दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू होस्ट द आईपीएल बट आवर फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडिया। It is certain that we cannot play at more than 3 or 4 venues in India, but the permissions will depend on how the COVID-19 outbreak pans out. Otherwise, we will have to explore playing overseas, which will be the last option. Once you are playing without spectacle, it doesn't means or really matter where you are playing as long as it suits television's timing. दोस्तों ये बयान, मैं इस बयान को ज्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर ने बयान दिया है, ये कोई उन्होंने उठ के बयान नहीं दिया। इस बयान में इन्होंने साफ साफ कहा है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एकदम कह दिया कि भाई हम कराना चाहते हैं आईपीएल, बीसीसीआई से कह दिया, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया है। और मैंने पिछली जब मुंबई वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी आपसे कहा था कि बीसीसीआई के पास प्लान बी है, लेकिन बीसीसीआई की पहली प्रेफरेंस भारत ही है। और ये दो हफ्ते से इसी तरह की खबरें चल रही है कि बीसीसीआई पहले भारत को ही प्रेफरेंस दे रहा है। आगे दोस्तों इन्होंने बयान में कहा है कि पूरी तरह से भारत में आईपीएल होना कोरोना वायरस की कंडीशंस पर निर्भर करता है, जो कि हम सबको पता है। तो इनका बयान साफ साफ ये बोल रहा है कि उनके पास विकल्प रख रहे हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, दुबई का, लेकिन उससे पहले वो पूरी कोशिश करेंगे कि भारत में आईपीएल कराया जाए। और इसी को लेकर हमने कल आपको खबर बताई थी कि मुंबई में कराने की बातचीत चल रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि 3-4 वेन्यूज पर एक ही शहर में आईपीएल कराने की प्लानिंग है, लेकिन सारा कुछ कोरोना पर डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से इस बयान का, जो पहला बयान मैंने आपको बताया, अगला बयान भी सुनिएगा, लेकिन इस बयान का मतलब तो यही है कि अभी बीसीसीआई ये देख रहा है कि भारत में किसी तरह से मुंबई की, जो मैंने आपको बताया कि 3-4 वेन्यूज को करा जाए आईपीएल। और हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से भी यही खबर थी कि मुंबई में इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाकर आईपीएल कराया जाएगा। तो ये पहला बयान है, लेकिन जो दूसरा बयान है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि यूएई और श्रीलंका में कंफर्म हो गया है, अब वो बयान भी सुन लीजिए दोस्तों। ये जो दूसरा बयान है ये IANS न्यूज एजेंसी के हवाले से आया है और ये बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा है अपना नाम ना बताने की शर्त पर। तो INS ने जो ये खबर छापी है उसमें उन्होंने बीसीसीआई अधिकारी का, ऑफिशियल्स का नाम नहीं बताया है, इसलिए इस खबर की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। आप अगर अधिकारी का नाम बताते तो ज्यादा बेहतर होता। अब बयान सुन लीजिए। बयान दोस्तों इस बीसीसीआई के अधिकारी ने INS के थ्रू ये दिया है कि द कंडीशंस इन इंडिया डजंट लुक सूटेड टू हैव सो मच and many teams comes in at 1 or 2 venues and then create an atmosphere which will be safe for the player as well as the general public, even though the game may be playing behind the closed door. The race is between UAE and Sri Lanka and we will need to decide on whether we host the league depending on the situation there with regards to the coronavirus pandemic. Logistics also need to be looked into, so we will decide soon.
अब इन्होंने जो बयान दिया है, एक तो इनका नाम नहीं पता है क्योंकि नाम नहीं बताने की शर्त पे इन्होंने बयान दिया है। तो इस बीसीसीआई अधिकारी ने बयान दिया है कि भाई भारत में कंडीशंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, भारत में कंडीशन आज तो नहीं है और भारत में कराना मुश्किल है। एक ही वेन्यूज पर बायोसेफ इन्वायरमेंट बनाकर भी सिक्योरिटी खिलाड़ियों की इंश्योर करना मुश्किल है। साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा है, जो कि ब्रजेश पटेल ने भी कहा था, कि यूएई और श्रीलंका रेस में भी है, लेकिन इन्होंने एक चीज एक कदम आगे बढ़कर बोल दी है कि भाई बीसीसीआई अब ये तय करेगा कि कहाँ कराना है और लॉजिस्टिक इश्यूज देखेगा। मतलब इनका बयान साफ साफ ये कह रहा है कि भाई भारत में हो ही नहीं सकता, बाहर ही हो सकता है। अब दोस्तों ये दोनों बयान एक तरह से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ ब्रजेश पटेल का बयान है जो बोल रहे हैं कि भाई अभी तक कोई तय नहीं है लेकिन भारत को प्रेफरेंस है। इनका बयान है ये बोल रहे हैं कि हम दूसरे देश की तरफ देख रहे हैं। तो अभी भी आपको कंफ्यूजन तो होगा ही ना, अब हम मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि अभी तक बीसीसीआई खुद ही कंफर्म नहीं है, बीसीसीआई को खुद ही क्लियर नहीं है। आप लोग और मैं और आप कंफर्म कंफ्यूज होने की बात तो दूर की है, अभी बीसीसीआई ने कुछ तय नहीं किया हुआ है। बीसीसीआई, क्योंकि ब्रजेश पटेल का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा मैं, अभी जब तक बीसीसीआई कोई डिसीजन नहीं लेता हमें यही मानकर चलना है कि भारत में ही होगा। ये बात जरूर है कि भारत में कंडीशंस नहीं है और बहुत भयानक कंडीशंस आगे जाकर हो सकती है, पर बीसीसीआई उसके लिए तत्पर है। डेढ़ ढाई महीने का समय समथिंग बचा हुआ है, अगर सितंबर में आपको आईपीएल कराना है बहुत जल्दी इस पर फाइनल डिसीजन होगा। अभी हम यही मान रहे हैं कि भारत में होगा और मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड वेन्यू अगर भारत में बिल्कुल ही नहीं हो पाया देन आपको यूएई और श्रीलंका की तरफ देखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। एंड यही बात दोनों बयानों से भी निकल कर आ रही है। कोई ठोस ये कह देना कन्फर्म हो गया है ये बात अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सही नहीं है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी आपको माइग्रेटेड प्रोडक्शन पर मिल जाएगी। इसी तरह से हम खबर का निचोड़ कर आपको दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कैसी लगी ये खबर, क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।